ओके फिर वेलकम बैक। और ये अभी हम क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें इसके पहले चैप्टर के पहले क्या क्या चीज़ें हैं वो उन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशंस करी हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उनको आप एक बार ही पहले देख लो। उसके बाद से सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये हमारा अभी डिफाइनिंग राइट से स्टार्ट होगा। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सारी चीज़ें फ्रेमिंग उसकी चल रही थी। अब इसमें ये सारी चीज़ें थी कि भाई सबके जो डिप्रेस क्लास हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, इन लोगों के कुछ राइट्स जो हैं वो, इन लोगों के पास कुछ राइट होने चाहिए। लेकिन क्या राइट्स होने चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हाउ वर द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन भी डिफाइंड। क्या राइट्स डिफाइंड होने चाहिए, क्या स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए थे, माइनॉरिटीज़ एग्जैक्टली चाहते क्या थे, है ना, और ये राइट्स जो थी उनको कैसे अफेक्ट करेंगे। ये सारे कई सारे क्वेश्चंस थे जिसपे ना इनको पूरी तरीके से इस पे जिक्र करना था। इस पे बहस हुई, बहुत ही बड़ी बहस हुई, और उस पे सारे डिस्कशंस फिर बाद में वापस आए। इस पे नेहरू जी ने देखो कई सारे ड्रामा चले थे उसमें, है ना, कई सारे स्पीचेस वगैरह हुई उस पे। तो नेहरू जी ने कहा था कि नेहरू जी हैड इन्वोक्ड द विल ऑफ पीपल, डिक्लेयर दैट मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी फुलफिल द पैशन दैट लाई इन द हार्ट ऑफ मासेस। इन्होंने शॉर्ट में ये कह दिया था कि जो लोग चाहते हैं वो चीज़ होनी चाहिए इसमें, और सभी का जो मतलब रिक्वायरमेंट है, जो पैशन है, वो इसमें आना चाहिए ज़रूर, है ना। लेकिन ये कहना तो आसान था लेकिन करना बड़ा मुश्किल था, है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किलें इसमें आना स्टार्ट हो गई। भाई लोग क्या चाहते हैं, कैसे लोगों से, हर इंसान से पूछा जाए, और हर एक इंसान, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के, हर इंसान के मांगे कैसे पूरी करी जाएगी। तो इसमें आते हैं सबसे पहले एक एक करके, एक एक पर्सन वगैरह इस पर अपनी बातें रखते हैं। तो द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट, बात सबसे पहले बी पोकर बहादुर, है ना, इनका नाम था पूरा। तो इन्होंने 1947, 27 अगस्त, है ना, 1947, ये मद्रास से थे, बेसिकली साउथ से थे। तो इन्होंने अपना एक पावरफुल एक प्ली रखा, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं माइनॉरिटीज के लिए, कर देते हैं। तो माइनॉरिटी एग्जिस्ट इन ऑल लैंड्स और गुड बहादुर, दे कुड बी नॉट बी विश्ड अवे, दे कुड नॉट बी इरेज्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस। द नीड वॉज टू क्रिएट अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इन विच माइनॉरिटीज कुड लिव इन हार्मनी विद अदर्स एंड द डिफरेंसेज बिटवीन कम्युनिटीज कुड बी मिनिमाइज। दिस वॉज पॉसिबल इफ माइनॉरिटीज वेर वेल रिप्रेजेंट विद द पॉलिटिकल सिस्टम, देयर वॉइस इज हर्ड, है ना। तो ये बता रहे हैं कि बहादुर जी ने ये कहा, पॉकर बहादुर, है ना, ये लाल बहादुर नहीं है, ये पॉकर बहादुर जी। तो इन्होंने कहा कि सभी की बातें रखनी चाहिए, माइनॉरिटीज की बातें माननी चाहिए, और तभी हमारे देश में विकास होगा। और मतलब सभी, जब पॉलिटिकल सिस्टम तभी अच्छे से वर्क करेगा जब सभी की आवाज़ों को सुना जाए। इसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ओनली सेपरेट इलेक्टोरेट वुड इंश्योर दैट मुस्लिम्स हैड मीनिंगफुल वॉइस इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट ही सिर्फ इस चीज़ को कर सकता है। और द नीड ऑफ मुस्लिम्स, इन्होंने कहा, साथ ही साथ उसके ऐड किया कि मुस्लिम्स का कितना ज़्यादा नीड है, ये सिर्फ जो नॉन मुस्लिम है वो नहीं समझ पाएंगे, जो मुस्लिम होगा वही ये बात समझ पाएगा। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं होगा कि नॉर कुड अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, अगर अगर एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुन लेते हैं जो नॉन मुस्लिम है, वो भी इस बात को ज़्यादा समझ नहीं पाएगा। तो ये बताया जाता है कि इन्होंने कहा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट की बात रखी जाए। इस पर काफ़ी लोग काफ़ी गुस्सा हो गए, बहुत सारे लोगों को इलेक्टोरेट्स को इन्होंने प्रोवोक कर दिया, इन्होंने बहुत ही गुस्सा दिलाया, और लोग उस पर बोलना स्टार्ट कर दिए। जिसमें सबसे पहले आरवी धोलकर जी बोलते हैं, ये कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट दे अल्योर्ड यू टू लॉन्ग लल, गिव इट अप नाउ, नाउ देर इज नो वन टू मिसगाइड यू। ये कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला आपके साथ, आपके माइंड के साथ खेला, और वो अभी भी आपके माइंड के साथ लगता है खेल रहे हैं। उन्होंने आपको इस चीज़ में बांटा, लेकिन अब कोई नहीं है यहाँ मिसगाइड करने के लिए, इसलिए आप इस चीज़ को छोड़ दो। सरदार पटेल जी ने भी कई कई सारी चीज़ें इस पर कही, उन्होंने कहा पॉइजन दैट हैज, बोल रहे हैं कि पॉइजन दैट हैज एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री। इन्होंने इस चीज़ को एक पॉइजन बोला कि जो सेपरेट मतलब डिवीजन वगैरह की चीज़ें हैं, है ना, इन सबको एक पॉइजन कहा रहा। तो इन्होंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट को इन्होंने क्या नाम दिया, एक पॉइजन का नाम दिया। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो इस तरीके से कई सारे लोगों ने कई सारी चीज़ें कही। तो अब इन्होंने डांटते हुए, एक तरीके से बातें कहते हुए, क्या डांटते हुए इन्होंने कहा था कि डू यू वॉन्ट पीस इन दिस लैंड, इफ सो डू अवे विथ इट। इन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट से आप अलग रहो, बिल्कुल ही इसके बारे में बात नहीं करो, अगर आप एक पीसफुल कंट्री चाहते हो, है ना। तो ऐसी कई सारी चीज़ें आगे आई। साथ ही साथ एक बड़े और लीडर गोविंद वल्लभ पंत, इनका एक बात आई, अगली बात आई, काउंटरिंग द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। इन्होंने कुछ अपनी बातें कही। इन्होंने कहा कहा कि एवरी इन्होंने कहा कि मैं इससे तो एग्री हूँ कि हर एवरी सिटीजन इन अ फ्री स्टेट
उसको क्या चाहिए, अपना मतलब अपने बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए, और बी ट्रीटेड मैनर दैट सेटिस्फाइड नॉट ओनली हिज मैटेरियल वॉन्ट्स बट ऑल्सो स्पिरिचुअल सेंस, है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो स्पिरिचुअल सेंस है उसको भी कम्पीट करना चाहिए। लेकिन उसके लिए इन्होंने कहा कि एंड दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी हैड एन ऑब्लिगेशन टू ट्राई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द माइनॉरिटीज एंड एम्पैथाइज विद देयर एस्पिरेशन, येट पंथ अपोज्ड। इस बात का तो सपोर्ट किया है ना, किसके, जो बहादुर जी ने जो बातें कही थी उस पे गोविंद वल्लभ पंत ने ये बात कहते हुए सपोर्ट करा कि भाई सभी की बातों को रखना चाहिए, और ऐसा बड़ा मुश्किल है कि जो माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करता है वो माइनॉरिटीज के बारे में प्रॉपर सोच सके। लेकिन उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो आइडिया था वो पूरी तरीके से उसे खारिज किया, और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हैं ना हमेशा ही क्या है कि आपको इफेक्टिव वर्क करने से आपको रोकती रहेगी, तो इस पर बात करना बेकार है। तो ये कई सारी बातें उनकी यहाँ पे लिखी हुई है गोविंद वल्लभ पंत ने जो कहा है ना। तो बोल रहा है कि बिहाइंड ऑल दिस आर्गुमेंट्स वाज द कंसर्न विद द मेकिंग ऑफ अ यूनिफाइड नेशन इन ऑर्डर टू बिल्ड अ पॉलिटिकल यूनिटी एंड फोर्ज अ नेशन एवरी इंडिविजुअल हैड टू बी मोल्डेड इन अ सिटीजन ऑफ द स्टेट ईच ग्रुप हैड टू बी एसिमिलेटेड विद द नेशन। इन्होंने कहा कि भाई ओवरऑल जो मतलब है वो ये है कि हम सभी को एक पावरफुल नेशन बनाना है। इसमें क्या है कि हर इंडिविजुअल का अपना एक रोल होना चाहिए और उसको अपने तरीके से एक प्रॉपर लॉयल्टी निभानी चाहिए, है ना। तो उनको लॉयल्टीज वगैरह दिखानी चाहिए। पंत जी ने ये भी कहा कि देर इज द एन होलसम एंड टू सम एक्सटेंट डिग्रेडिंग हैबिट ऑफ थिंकिंग ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज एंड नेवर टर्म्स इन द सिटीजन। एक बड़ी बात इन्होंने कही, इन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा मतलब कमी भी है ये है कि हम हमेशा एक आखिर मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे को रिप्रेजेंट करते हुए क्यों सोचते हैं हम, कि हम हिंदू हैं तो हिंदू की कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, हम डिप्रेस्ड हैं तो डिप्रेस, क्यों नहीं हम सब सिटीजन्स के रूप में हम सारी बातें करते हैं। तो ये सारी बातें उसमें रखी गई थी, है ना। तो इस पे अगली बात जो इम्पोर्टेंट आई वो ये था कि नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट। एक कुछ ऐसे भी मुस्लिम थे जो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांग रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है बेगम एजाज रसूल, है ना। इन्होंने कहा कि ऐसा करने पे जब हम सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं तो इसमें माइनॉरिटीज को पूरी तरीके से मेजोरिटी से अलग कर दिया जाता है ना। तो बाय 1949 मोस्ट मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट। आखिरकार इसमें देखा गया कि 1949 में ऐसा देखा गया कि अगर फिर से अगर अलग इलेक्टोरेट मांगी जाएगी तो ये पूरी तरीके से इंटरेस्ट के बाहर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं, इसमें आता है कि वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन, है ना। तो रेजोल्यूशन मतलब देखो क्या होता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं, मतलब एक हम अपने तरीके से प्रण लेते हैं, हम मानते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कि भाई हम पूरे साल जो है वो कुछ भी मतलब ऐसा नॉनवेज नहीं खाएंगे, या फिर मान लेते हैं कि बहुत ही लो कैलोरी फूड खाएंगे, है ना, बहुत ही फिट रहेंगे। तो ये हम अपने तरीके से एक रेजोल्यूशन लेते हैं, एक मानते हैं, प्रण लेते हैं। लेकिन इन्होंने कहा, अब नाम आता है बहुत ही बड़ा, एक एनजी रंगा, रंगा रंगा करके हर जगह नाम चलेगा, और काफी चीजों इन्होंने एक के बाद एक कही थी। तो इन्होंने वेलकम तो किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, है ना, उसमें सारी बातें थी कि इंडिया जो है वो सॉवरीन है, ये सारी पांच छह टर्म्स थे, मैंने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो इन्होंने कहा कि एसोसिएट्स हु हैड बीन अ लीडर ऑफ द पीजन मूवमेंट अर्थ द टर्म माइनॉरिटीज बाय इंटरप्रेटर इन द इकोनॉमिक टर्म्स। इन्होंने कहा क्या कि आखिर रियल माइनॉरिटी है कौन। इन्होंने कहा रियल माइनॉरिटी जो पुअर्स हैं वो हैं, जो टाउन ट्रॉडन है वो हैं, और उन्होंने लीगल राइट्स जो लीगल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ग्रांटिंग टू ईच इंडिविजुअल बट पॉइंटेड टू इट्स लिमिट। इन्होंने जो लीगल राइट्स मिल रहे थे उसका तो वेलकम करा, लेकिन कुछ लिमिट्स थे उसमें, उसको इन्होंने उभारा। इनके ओपिनियन में इनका कहना था कि ये पूरी तरीके से मीनिंगलेस है कि अगर आप एक गरीब को जाकर के ये कहते हो कि तुम्हें आज के बाद तुम्हारा फंडामेंटल राइट मिलेगा एंड टू हैव फुल एम्प्लॉयमेंट और दैट दे कुड हैव देयर मीटिंग्स देयर कॉन्फ्रेंसेस, उनको मतलब उन्हें बोला कि इट इज टोटली मीनिंगफुल मीनिंगलेस दैट फॉर द पीपल इन द विलेजेस टू नो दैट दे नो हैड एंड दे नाउ हैड फंडामेंटल राइट, है ना। इन्होंने कहा कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, दे नीड प्रॉप्स, दे नीड लैडर, दे नीड प्रोटेक्शन। प्रॉप्स होती है कि किसी चीज, लैडर मतलब किसी चीज को पकड़ करके वो आगे बढ़ सके, है ना, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। एग्जैक्टली उनको ये सारी चीजें चाहिए किसी भी एक पुअर को, है ना। आप जाकर के उनको फंडामेंटल राइट बोलोगे कि है ना इसका अधिकार है उसका अधिकार है, तो शायद वो इतनी डीप बातें या ना समझ सके। रंगा इसके साथ भी आगे बोलते रहते, उन्होंने ये चीजें कही कि ऑल्सो ड्यू अटेंशन टू गल्फ दैट separate the broad masses of Indians and those claiming to speak on their behalf under constituent assembly। ये कहते हैं, यहाँ एक बहुत ही बात कही, क्योंकि वो constituent जो assembly थी, है ना, जो जिसमें लोग discussion कर रहे थे, उसमें ज़्यादातर जो थे वो अच्छे background से आने वाले लोग थे। तो ये कहते हैं कि भाई हम किस चीज़ पे represent कर रहे हैं, हम minorities पे और इन सब पे ordinary masses पे represent कर रहे हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर तो ordinary mass है ही नहीं, है ना।
इन्होंने ये कहा कि हम तो ज्यादातर उनमें से बिलोंग ही नहीं करते हैं, तो हम उनके बारे में क्या बहुत अच्छा कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि यही एक बात है कि ज्यादातर जो डीपेस वाले और ऐसे वाले लोग हैं वो तो ऑर्डिनरी मास तो इसमें आ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं उनके बिहाफ पे, अभी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में वो लोग इस फील्ड में आ सके, है ना, अपने आप का एक रिप्रेजेंटेशन दिखा सके। इस पे एक बड़ा नाम आता है जयपाल सिंह। अभी तक हमने डिप्रेस क्लासेस और सभी के बारे में बात करी, लेकिन जयपाल सिंह एक आदिवासी थे। इन्होंने एक बड़ा अच्छा इमोशनल बातें इतनी दूरी में रखा। इन्होंने कहा कि देखिए आप लोग डिप्रेस क्लासेस और माइनॉरिटीज और जो मतलब जिनके पे एट्रॉसिटीज हुई उनके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा मतलब आदिवासियों से ज्यादा एट्रॉसिटीज किसी ने अभी तक सही ही नहीं, सबसे ज्यादा हमारे साथ दिक्कतें हुई हैं। हम लोग 6,000 मतलब कुछ सालों से नहीं, 6,000 सालों से नेग्लेक्ट किए गए हैं। हम लोगों को हमेशा ही लोगों से मतलब आम लोगों से अलग ही रखा गया है, बहुत ज्यादा हमें राइट्स नहीं दिए गए हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए यहाँ पे अगर ये सारी चीजें क्या चल रही है उनको समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन्होंने कहा कि लेकिन येट पंडित जवाहरलाल नेहरू एट हिज वर्ड, आई टेक यू ऑल योर वर्ड दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। इन्होंने कहा कि मैं आपकी बातों पे पूरा विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि आपकी बातें बिल्कुल सही हैं और आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सिंह ने, यानी कौन, जयपाल सिंह ने, जिनका यहाँ पे है ना जिक्र चल रहा है, जो आदिवासी हैं, उन्होंने एक इलेक्वेंटली मतलब समझाने के मैनर में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ये चीज़ कही कि हमें चाहिए क्या कि हमें भाई अपने मतलब चीज़ों के प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसा ना हो भाई हमें अपने जंगलों से और इन जगहों से होम से हटा दिया गया है, उन जगहों पर ऐसा ना हो कि हमें फिर से ऐसा किया जाए। परसीविंग दम एज प्रिमिटिव, हमें हमेशा प्रिमिटिव समझा गया, बैकवर्ड समझा गया, इसलिए हमेशा ही हमें जो विकास की डोर है उससे हमेशा दूर रखा गया और सोसाइटी वगैरह से हमें दूर रखा गया। बड़ा ही इमोशनल ये सारी बातें उन्होंने कहा यहाँ पे। तो उनका एक बात ये था कि हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि लोगों से बहुत ऊंचा दर्जा हमें ना मिले, हमें उनके साथ मिक्स होने का एटलीस्ट दर्जा मिले, हम लोगों के साथ मिक्स होना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंह ने साथ ही साथ ये बात कही कि देखिए हमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, हमें कुछ रिजर्वेशन मिले ताकि हमारे सीट्स रिजर्व हो और हम लेजिस्लेचर में आ सके और हमारा भी कुछ देश के उसमें रिप्रेजेंटेशन हो सके। आगे ये कहते हैं वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ये आदिवासी वगैरह की बात चल रही है और अंबेडकर जी अब लेकर के आए डिप्रेस कास्ट और इन सभी की बातें। हमेशा इन्होंने डिप्रेस कास्ट वगैरह के बारे में इन्होंने मांग वगैरह रखी, लेकिन कंटिन्यूसली महात्मा गांधी जी ने ये कहते हुए इसका अपोज किया कि इससे उन्हें जो परमानेंट जो लोग हैं उनसे और ज़्यादा दूरी मिलेगी, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को और ज़्यादा दूर फील करेंगे लोगों से अगर ऐसा हम रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें सेपरेट इलेक्टोरेट और ये सारी बातें हम उनकी मानते हैं। तो इस पे क्या है कि जे नगप्पा, नाम आता है जे नगप्पा, ये थे मद्रास से, इन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने कहा वी हैव रियलाइज्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नाउ हैव टू असर्ट आवरसेल्फ। नगप्पा पॉइंटेड आउट दैट न्यूमेरिकली द डिप्रेस कास्ट वर नॉट माइनॉरिटी। इन्होंने कहा जिसको आप डिप्रेस क्लास कह रहे हो वो माइनॉरिटी नहीं है, देश का 20 से 25% टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन हमें जो अलग किया गया है वो इसलिए अलग किया गया है क्योंकि हमें जो सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन है उसके कारण से इतना सफर करना पड़ा है, जो सिस्टम बन रखा है समाज में जो चीज़ें चल रही उसके कारण से हमें इतना अलग हमें किया गया है। यहाँ कहते हैं कि एड्रेसिंग द असेंबली के जे खंडेरकर ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस सेट वी आर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, है ना, बट वी आर टू सच एन एक्सटेंट दैट नीदर आवर माइंड्स नॉर आवर बॉडीज नॉर आर इवन वर्क हर्ट वर्क नॉर आर वी एबल टू मार्च फॉरवर्ड, हम आगे नहीं बढ़ सके, इस तरीके से हमें डिप्रेस किया गया है ना। लेकिन ये अभी तक रही है, लेकिन आफ्टर द पार्टीशन वॉलेंस अम्बेडकर जी जब एक बार देखते हैं कि जब हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया गया था तो कई सारे पार्टीशन वॉलेंस हुए थे, कई लोगों को मारा गया, तो इसको देखने के बाद उन्होंने कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं करी। लेकिन उन्होंने ये चीजें रखी कि भाई अब क्या है कि मतलब हिंदू टेम्पल्स में सभी को आने दिया जाए, है ना, जॉब्स में थोड़े से रिजर्वेशंस हो, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें प्राथमिकता मिले, लेजिस्लेचर में कुछ उन्हें चीज़ों को मिले, तो इसको रखते हुए उन्होंने ये चीज़ें रखी कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए और सभी को एक डेमोक्रेसी के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। अब आता है पावर ऑफ द स्टेट, यहाँ क्या है, अभी तक इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें तो हो गई भाई, डिप्रेस कास्ट और वो सारी चीज़ें हो गई, अब ये नया टॉपिक है टोटली हमारा, ये कहता है बताता है पावर ऑफ द स्टेट के बारे में, उससे डिफरेंट। ये क्या कहता है कि जैसे इससे पहले तीन तरीके से डिवाइड हुआ था आपका सेंट्रल था, स्टेट था और कंकरेंट था, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका यूनियन है, स्टेट है और कंकरेंट है ना। तो ये हुआ कि शुरुआत में ज्यादातर सेंट्रल है, स्टेट है और फिर कंकरेंट है, मतलब दोनों को मिला करके जो डिसीजन होंगे,
तो ज्यादातर पावर पैसे सारी चीजें सेंटर को दी गई है ना, दी जा रही थी। तो इस पे थोड़ा सा अब जो डिबेट है वो होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके लिए नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ है कि बताया गया कि सेंटर को जो है वो ज्यादातर पावर दी गई, उसके साथ साथ सेंटर को एक स्पेशल पावर दी गई आर्टिकल 356 की, है ना। इसमें इमरजेंसी वगैरह लगा सकते थे, और क्या है कि जब कोई फंक्शन ठीक ना हो तो गवर्नर की सुझाव के रिकमेंडेशन के बाद से सेंटर पूरा पावर जो स्टेट का वो ले सकती थी। तो यहाँ पे कुछ बताया गया कि भाई कौन कौन से टैक्स और फाइनेंशियल कौन कौन सी चीजें किसके किसके पास रहेगी। तो बताया गया कि इंस्टेंस कस्टम ड्यूटीज, कंपनी टैक्सेस, ये सारी चीजों पे सेंटर का पूरा अपना अधिकार रहेगा। और कुछ अदर एज इनकम टैक्स एक्साइज ड्यूटी इट शेयर्ड विद द स्टेट्स, तो कुछ और चीजें होंगी जैसे कुछ और इनकम टैक्स एक्साइज ड्यूटीज, उसमें सेंटर और स्टेट में शेयर किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल बताया गया कि द स्टेट मीनवाइल कुड लिवाई कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस ऑन देयर ओन, दीज इंक्लूड लैंड, जो लैंड टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सेल्स टैक्स है, इन सभी पे, और ज्यादातर जिस पे सबसे ज्यादा जैसे शराब वगैरह या लीकर वगैरह की जो बॉटल्स होती है उन पे जो टैक्स है, इन पे स्टेट देखेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेंटर कंकरेंट और स्टेट का जो ड्राफ्टिंग के टाइम पे हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें किस पे कौन सा फाइनेंशियल टैक्सेस या इन चीजों को लेने का अधिकार आ रहा था। अब इस पे बहुत ज्यादा डिबेट हुआ। डिबेट ये हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई सेंटर जो है वो ब्रेक कर जाएगा। ऐसा इसलिए कहा गया, इन्होंने पहले संथानम, इन्होंने क्या कहा कि देर इज ऑलमोस्ट एन ऑब्सेशन दैट बाई एडिंग ऑल काइंड ऑफ पावर टू सेंटर वी कैन मेक इट स्ट्रॉन्ग, दिस इज मिसकंसेप्शन। इन्होंने कहा कि ऐसा मिसकंसेप्शन है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर सारा पावर हम सेंटर पे रख रहे हैं तो वो ओवर बर्डन हो जाएगा और वो अपने जो फंक्शन है उसको भी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा, संथानम ने कहा कि द फिस्कल प्रोविजन वुड इम्पावरेज द प्रोविंसेस सिंस मोस्ट टैक्सेस एक्सेप्ट लैंड रेवेन्यू हैड बीन मेड टू द प्रिजर्व द सेंटर। इन्होंने ये बात कही इतने देर में कि अगर हम ज्यादातर सेंटर, जैसे मान लीजिए घर में एक फादर है या मदर है तो सारा पैसा उनके पास है, तो सारे बच्चे उन्हीं पे जाकर के हर चीज मांगते हैं कि भाई मुझे ये चीज खरीदना है, ये चीज दे दो। ऐसे अगर सेंटर है, सेंटर के पास सारे पैसे हैं, तो स्टेट वगैरह को बार बार उनके पास जाना पड़ेगा, बार बार चीजों के लिए एक तरीके से मांगनी पड़ेगी। ये संथानम ने कहा कि ये चीज बड़ी अच्छी नहीं है, और इसको इन्होंने एक बहुत ही डार्क फ्यूचर के तरीके में इसको दिखाया, उन्होंने प्रेडिक्ट किया, और उन्होंने कहा कि यही रीजन होगा कि फ्यूचर में सेंटर और स्टेट का रिवोल्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसी बातें इन्होंने कही। तो अब इस पे बात आई कि अंबेडकर जी ने कहा कि भैया देखो एग्जैक्टली पहले इस पे डिस्कस करते हैं कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमें व्हाट वी वांट टुडे। तो इस पे इन्होंने कहा कि हमें चाहिए क्या, कि हमें बहुत ही स्ट्रांग सेंटर चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंटर मतलब जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं उन लोग को इक्वल पावर दे दें तो फिर ये बगावत कर ले और सेंटर पे उसका कुछ कंट्रोल ही ना रहे। तो इसी के बारे में अभी आगे डिस्कशन होगा। तो इन्होंने कहा कि हमें एक स्ट्रांग पावर चाहिए। इन्होंने कहा कि मेनी मेंबर्स हैव रिपीटेडली स्टेटेड दैट पावर्स ऑफ द सेंटर हैड टू बी ग्रेटली स्ट्रेंथेंड टू इनेबल टू स्टॉप कम्युनल फ्रेंजी, है ना। कम्युनल मतलब ये इनको कल को अपना मन कर जाए तो अपना कुछ काम करने लगे, इस चीज को स्टॉप करने के लिए सेंटर को पावरफुल बनाना ही होगा। इस पे एक बहुत बड़ा ऐसा ना बात रखी गई यहाँ पे कि पार्टीशन से पहले क्या था कि ये मतलब पार्टीशन जब नहीं हुआ तो उससे पहले ये माना गया था और इस चीज पे एग्रीमेंट हुई थी कि ऐसा है कि जो 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 प्रोविंसेस में मुस्लिम जीतते हैं, मुस्लिम लीग जीतती है, उस पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आकर के उस पर हस्तक्षेप करने लगेगी, है ना, और कांग्रेस जहाँ जीतती है यहाँ पे ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके कारण से ही क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम लीग वगैरह की थी वहाँ पे बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हुई, बहुत लोगों को मारा जा रहा था, लेकिन चाहते हुए भी कांग्रेस बहुत ज्यादा उस पर कुछ नहीं कर पा रही थी, है ना। तो ऐसा दोबारा नहीं होना देना चाह रहे थे, इस कारण से इन्होंने सोचा कि यूनियन को ज्यादा पावर देना चाहिए। ये चौथा टॉपिक था। तीसरे टॉपिक में देखो हमने बात किया कि डिप्रेस क्लासेस और इन सब के बारे में, माइनॉरिटीज एग्जैक्टली कौन है उनके बारे में डिस्कस करा। चौथे टॉपिक में हमने स्टेट वगैरह के पास क्या पावर्स वगैरह रहेंगे, सेंटर वगैरह के को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाना है, इनके पर डिस्कस करा। अब आता है पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक जो है वो हमारा बात करता है लैंग्वेज ऑफ द नेशन पे, कि नेशन का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, है ना। इस पे बहुत लंबी डिबेट चली थी। तो एग्जैक्टली देखो हुआ क्या, 1930s में कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड द हिंदुस्तानी ऑट टू बी द नेशनल लैंग्वेज। शुरू में ना 1930 जब तक अभी अपना सॉवरेन नहीं बना था और आज़ादी से पहले के टाइम पे मेनली महात्मा गांधी जी ने रखा हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मतलब है हिंदू, हिंदी और उर्दू, इसको मिला करके हिंदुस्तानी बना था। अ गुड ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू था वो, तो इसको लेकर के चल रहे थे क्योंकि इन्होंने माना कि भाई ये मल्टी कल्चर आपका अपना देश है, कई सारे कल्चर चलते हैं तो उसके कई सारे अलग अलग लैंग्वेजेस चलती हैं। कुछ लोग हिंदी बोलते थे, कुछ मुस्लिम वो उर्दू बोलते थे, कुछ साउथ के लोग हैं वो अपनी भाषा बोलते थे,
कभी बीच में डिबेट आया कि संस्कृतीज हिंदी टोटली चीजें चलनी चाहिए, है ना, तो कुछ चीजें धीरे धीरे करके हटा, मतलब ये चीज कभी कंफर्म हो नहीं पा रहा था कि कौन सी लैंग्वेजेस को एग्जैक्टली यहाँ पे चलना चाहिए। तो इस पे आगे चल करके एक बहुत बड़ा एक प्ली आया, वो आरवी धुलेकर, जिनका नाम अभी मैं पूछ रहा था, वो उनका आया आरवी धुलेकर प्ली, मतलब कुछ अपनी बातें रखेंगे ये। तो देखो क्या ये बातें रख रहे हैं, इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने क्या कहा, इन वन ऑफ द अर्लीस्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आरवी धुलेकर अ कांग्रेसमैन फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस मेड एन एग्रेसिव प्ली दैट हिंदी बी यूज एज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। इन्होंने एक बड़ी बात रखी, लेकिन ये रख रहे थे बहुत ही मतलब गुस्से में रख रहे थे अपनी बातें। इन्होंने कहा कि हिंदी को रखना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत डांटते हुए ये कहा कि जो लोग कंट्री को रिप्रेजेंट करने का यहाँ फैशन कर रहे हैं, यहाँ दिखावा कर रहे हैं, और वो उनको हिंदुस्तानी मतलब भाषा भी नहीं आती है एग्जैक्ट तरीके से, तो उनको क्या करना चाहिए कि इस सेशन को छोड़ देना चाहिए। तो दे बेटरली उन्होंने कहा कि इस सेशन को छोड़ देना चाहिए, आप यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको हिंदुस्तानी भाषा भी नहीं आती, तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। इसी के आगे ये देखने को मिला है ना कि यहाँ पे एक आगे एक डेडलॉक सा बन चुका था, मतलब अब इन सारी डिबेट सारी चीजें चल रही थी तो यहाँ पे एक डेडलॉक बन गया था कि भाई कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज रखना चाहिए, कुछ लोग इसका अपोज कर रहे थे। तो बट नॉट येट फॉर्मली डिक्लेयर दैट हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन अभी फॉर्मली डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन ये डिसाइड हो गया था कि जो हिंदी है देवनागरी लिपि में उसको अब से ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये नेशनल लैंग्वेज है, बट इसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा, है ना, और धीरे धीरे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इन्होंने और साथ ही साथ बोला कि जो ऑफिशियल वर्क वगैरह है, काम वगैरह है, सिंस ब्रिटिशर्स इंग्लिश में करते थे तो कुछ समय अगले 15 ईयर्स तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, फॉर द रेस्ट ऑफ द 15 ईयर्स वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर वर्क इन इंग्लिश ओनली, है ना। तो ईच प्रोविंस सपोज्ड टू बी अलाउड टू चूज वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस, और क्या दिया गया स्वायत्त यहाँ पे कि सारे प्रोविंसेस, जैसे आप देखो महाराष्ट्र में मराठी चल रही है, उत्तर प्रदेश में है ना हिंदी यहाँ चल रही है, बिहार बिहार में बिहारी भाषा चल रही है, तो अपनी अपनी भाषाएं चलती हैं। तो उन्होंने बोला प्रोविंसेस को कि अपने आपका रीजनल लैंग्वेज चुनने का भी आपको यहाँ पे अधिकार मिल गया है। तो मतलब उन लोगों ने क्या करा कि वो फ्री करा कि आप अपनी जो भाषाएं हैं उनको आप मान सकते हो। तो इस पे यहाँ पे आता है एक अगली बात, यहाँ आता है कि धुलेकर जो हैं वो अभी भी मतलब इन सारी चीज़ों से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए ही नहीं था हिंदी, उनको चाहिए था इसे एक नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने कई लोगों का मजाक उड़ाया वहाँ पे और कई लोगों के बहुत ही डोमिनेंट तरीके से चीज़ों को रख रहे थे। इन्होंने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी के का नाम लेकर के और ये चीज़ों पे रख रहे हैं कि हिंदुस्तानी का ये मतलब ये लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ बातें रख रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि सर नो बॉडी कैन बी मोर हैप्पी देन माई सेल्फ दैट हिंदी वॉज बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, सम से दैट इट इज कंसेशन टू हिंदी लैंग्वेज, आई से नो इट इज अ कंज्यूमेशन ऑफ हिस्टोरिक प्रोसेस। इन्होंने ये बात कही कि मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, लेकिन कुछ इसमें ताना कहते हुए इन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो भाई कुछ कंसेशन है हिंदी लैंग्वेज के ऊपर कि इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये एक प्यार है हिस्ट्री से रिलेटेड, कि मतलब हिस्ट्री में हम लोग क्या है कि हिंदुस्तानी भाषा बोलते ऐसे ऐसे भाषा बोलते आ रहे थे, उसी चीज़ को हम लेकर के चलना चाह रहे थे। ये बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि ये अपनी बातों को बड़े ही मतलब कठोर तरीके से ये रख रहे थे, और भी बहुत ही इनका टोन बहुत ही ऐसा था जो लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तो कई बार प्रेसिडेंट जो थे उसके, वो कौन थे आपके, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जो हमारा ये चल रहा था जो ड्राफ्टिंग टोटल चल रही थी इसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कई बार इंटरप्ट करा, और द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली इंटरप्टेड धुलेकर, उन्होंने कई बार इसे उन्हें इस चीज़ को इंटरप्ट करा और ये चीज़ उसमें बोली कि आप अपनी बातों को इन्होंने बोला कि आई डोंट थिंक यू आर एडवांसिंग योर केस बाय स्पीकिंग लाइक दिस। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, आप सेम बात को आप बहुत बुरी तरीके से बोल रहे हो, तो आप अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हो, आप अपनी बातों को आगे बढ़ाओ, ये कहना ये चाहते थे, और इस तरीके से मतलब टोन की जगह आप अपनी बातों को आगे बढ़ाओ। तो अब जब हिंदी की बातें यहाँ चल रही थी तो कुछ लोगों के अंदर ऐसा ना डर आ गया, डर आया डोमिनियन का, डोमिनियन मतलब कोई डोमिनेंट होगा, कोई प्रभावी होगा और हम उसके अंडर में रह जाएंगे। तो इस पे श्रीमती जी दुर्गाबाई जो मद्रास से थी, ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब साउथ में हिंदी का उतना ज़्यादा नहीं है, इस कारण से इन लोगों को डर था ज़्यादा, तो मद्रास से थी उनको ये डर था और उन्होंने ये चीज़ें कही है ना कि हमारे, इन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया विच वॉज एन ऑलमोस्ट एग्रीड प्रपोजल अंटिल रिसेंटली हैज सडनली बिकम अ राइट कंट्रोवर्शियल इशू,
whether rightly or wrong, the people of non-Hindi speaking areas have been made to feel that this fight or this attitude on behalf of Hindi speaking areas is a fight for effectively preventing the natural influence of other powerful languages of India on the composite culture of this nation. तो ये बताएं कि ये बिल्कुल सा एक फाइट सा बन चुका है हिंदी और नॉन हिंदी बोलने वाले लोगों पे, और जो हिंदी नहीं बोल रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर क्या है कि दूसरे लोगों का जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ऐसा उन्हें देखने को मिल रहा है। तो इस पे कई सारी बातें और कई सारी डिबेट्स वबेट्स और चलती हैं। इस पे एक बात आती है जो अगली कहते हैं टी ए रामालिंगम चेटियार एक बात कहते हैं जो मद्रास से आके गए थे। इन्होंने कहा, एम्फेसाइज दैट वॉट एवर वॉज डन हैड टू बी डन विद कॉशन, द कॉज ऑफ हिंदी वुड नॉट बी हेल्प इफ इट वॉज पुश टू एग्रेसिवली। इन्होंने कहा कि जो भी होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि सबका उसमें कॉशन हो, सबका उसमें देख रेख किया जाए, किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर दूसरे को थोपा जा रहा है। और हमारे, इन्होंने कहा कि हमारे देश का मतलब हमारी डेमोक्रेसी तभी ज़्यादा फुलफिल पाएगी जब उसमें सभी को साथ ले करके चलने वाली चीज़ें हों, किसी भी चीज़ को फोर्स ना करो। देर शुड बी म्यूचुअल एडजस्टमेंट, नो क्वेश्चन ऑफ फोर्सिंग थिंग्स ऑन पीपल शुड बी देयर। तो ये बातें हमारी हिंदी के ऊपर मतलब भाषा के ऊपर आई। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है उसके कुछ इमेजेस वगैरह दिखा करके यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो अंबेडकर जी इतने बड़े बड़े, आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में 11 वॉल्यूम्स टोटल बने थे, तो ऐसे करके हैंड ओवर किया जा रहा है राजेंद्र प्रसाद जी को जो आपके स्टार्टिंग प्रेसिडेंट थे, और उनको ये चीज़ें हैंड ओवर करी जा रही थी। तो इसका एक इमेज दिखाया गया। पूरे चैप्टर में हमने पूरी बातें इसकी ड्राफ्टिंग के ऊपर डिस्कस करा। लास्टली इस लास्ट के वीडियोज़ में हमने कुछ अपने स्टार्टिंग करी थी ये देखते हुए कि माइनॉरिटी एग्जैक्टली हैं कौन। उसके बाद से हमने बात करी थी कि हमारे यूनियन और सेंटर के, मतलब सेंटर और स्टेट वगैरह के बीच में कैसे रिलेशंस होंगे, और एट द एंड हमने बात करी कि जो लैंग्वेजेस हैं हिंदी का, उन मतलब कौन सी लैंग्वेज को चुना जाए, इस पर क्या क्या डिबेट सारी चीज़ों में चली थी, है ना। तो इसी के साथ चैप्टर एंड होता है आपका।